क्या आपने उस देश के बारे में सुना है जहां मछली पालन के जरिए खेती की जाती है, या फिर क्या आप ऐसे त्योहार के बारे में जानते हैं जिसमें सबसे ज्यादा कीड़ों को इकट्ठा करने पर विजेता की घोषणा की जाती है। क्या आप उस देश के बारे में जानते हैं जहां बिल्ली का मांस खाने का त्योहार मनाया जाता है? अगर नहीं तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। फैक्ट नंबर वन, इंसान अक्सर अपने पार्टनर को प्रपोज करने के लिए रिंग या गुलाब के फूल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी तरह की हरकत जानवर भी करते हैं? जी हाँ, पेंगुइन एक ऐसा जीव है जो अपने पार्टनर को प्रपोज करने के लिए इंसानों की तरह गिफ्ट देता है। जब मेल पेंगुइन अपने लिए पार्टनर का चुनाव करते हैं तो वह मादा पेंगुइन को सबसे स्मूथ और गोलाकार पत्थर देने की कोशिश करते हैं। ऐसे में अगर मादा पेंगुइन को पत्थर की बनावट पसंद आती है तो वह उसे अपने घोंसले में रख लेती है। ऐसा करने से नर और मादा एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं, जैसे उन्होंने एक दूसरे के साथ शादी कर ली हो। लेकिन अगर मादा को पत्थर पसंद नहीं आता है तो वह उसे फेंक देती है और नर अपने लिए नए पार्टनर की तलाश में जुट जाता है। फैक्ट नंबर टू, दुनिया भर के देशों में पैदल चलने या रोड क्रॉस करने के लिए फुट ओवर ब्रिज और सबवे बनाए जाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ऐसे ब्रिज के बारे में सुना है जिसे गिलहरी की सुविधा के लिए बनाया गया हो? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। नीदरलैंड के द हेग नामक शहर में हाईवे के बीच एक अनोखे ब्रिज का निर्माण किया गया है। इस ब्रिज को मुख्य रूप से गिलहरी के लिए बनाया गया है ताकि हाईवे पार करते समय उन्हें किसी तरह का नुकसान ना हो। आपको जानकर हैरानी होगी कि गिलहरी वाले इस ब्रिज को बनाने में 1,08,00,000 रुपए का खर्च आया था। हालांकि यह बात अलग है कि गिलहरी इस ब्रिज का इस्तेमाल ना के बराबर करती है। शायद गिलहरी को इस बात की समझ ही नहीं है कि इंसान ने उसकी सुविधा के लिए ब्रिज का निर्माण किया है, इसलिए 8 साल पहले बना यह ब्रिज अब पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन चुका है। फैक्ट नंबर थ्री, कई देशों में बिल्ली को पालतू जानवर के रूप में घर पर पाला जाता है, वहीं कुछ देशों में बिल्ली को शुभ और अशुभ चीजों से जोड़कर देखा जाता है। लेकिन पेरू एक ऐसा देश है जहां बिल्ली को लेकर एक बहुत ही अनोखे और अजीबोगरीब त्योहार का आयोजन किया जाता है। इस देश में हर साल कैट फूड फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसमें बिल्लियों को स्वादिष्ट खाना नहीं परोसा जाता है बल्कि बिल्ली के मांस को भोजन के रूप में खाया जाता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। पेरू के दक्षिणी लीमा में कैट फूड फेस्टिवल बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दौरान लोग बिल्ली के मांस को आग में पकाकर उसका सेवन करते हैं, क्योंकि यहां के लोगों का मानना है कि बिल्ली का मांस स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद साबित होता है। यही वजह है कि दक्षिणी लीमा में इस त्योहार के सेलिब्रेट करने के लिए बड़े पैमाने में बिल्लियों का शिकार किया जाता है और फिर उनके मांस को खाने लायक तैयार किया जाता है। हालांकि मांस खाने के लिए किसी भी व्यक्ति के साथ जबरदस्ती नहीं की जाती है, हर कोई अपनी इच्छा से ही इस मीट का सेवन करता है। फैक्ट नंबर फोर, यूं तो एनिमल किंगडम में एक से बढ़कर एक खूबसूरत और अद्भुत जीव मौजूद है, लेकिन क्या आपने कभी उस मछली के बारे में सुना है जो पारदर्शी अंडे देने के लिए जानी जाती है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि शार्क एक ऐसी मछली है जो पारदर्शी अंडे देती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। समुद्र में मौजूद लगभग 30% शार्क बच्चों के रूप में अंडे देती है, लेकिन शार्क के ये अंडे पीले रंग की झिल्ली जैसे दिखाई देते हैं जो बिल्कुल पारदर्शी होते हैं। इस पारदर्शी अंडे के अंदर शार्क के नन्हे से बच्चे को आसानी से देखा जा सकता है, जो आकार में बेहद छोटा और क्यूट होता है। शार्क के अंडे देखने में दूसरे अंडों की तरह ही होते हैं, बस इनकी बनावट पारदर्शी और झिल्लीदार होती है। हालांकि शार्क की सभी प्रजातियां अंडे नहीं देती हैं, इसलिए इस तरह के पारदर्शी अंडे देखने का मौका बहुत ही कम लोगों को मिलता है। फैक्ट नंबर फाइव, पोलर बियर धरती के सबसे खतरनाक और मांसाहारी जीवों में से एक है, जो भूख लगने की स्थिति में अपनी प्रजाति के जीवों का शिकार करने से भी पीछे नहीं हटता है। ऐसे में अगर इस खूंखार जीव के लिवर का सेवन इंसान करता है तो उसकी मौत होना तय है। दरअसल पोलर बियर के लिवर में विटामिन ए की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जो पानी के साथ आसानी से नहीं घुलता है। ऐसे में अगर इंसान उस लिवर का सेवन करता है तो उसकी बॉडी में ढेर सारी मात्रा में विटामिन ए जमा हो जाता है, जो आसानी से शरीर से बाहर नहीं निकलता है और लिवर में जमने लगता है, जिसकी वजह से लिवर फेल होने से इंसान की मौत हो जाती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अगर पोलर बियर के पूरे लिवर का सेवन किया जाता है तो उसमें 52 वयस्क लोगों को मौत के घाट उतारने जितना विटामिन ए मौजूद होता है। इस बात से आप समझ सकते हैं कि पोलर बियर का लिवर इंसान के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए किसी भी चीज का सेवन करने से पहले उसके बारे में जानकारी जरूर इकट्ठा कर लें। फैक्ट नंबर सिक्स, हवाई जहाज को आसमान में उड़ान भरने के लिए फ्यूल की जरूरत होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा प्लेन भी मौजूद है जो सौर ऊर्जा से चलता है?
इस अद्भुत हवाई जहाज को स्विट्जरलैंड द्वारा बनाया गया था, जिसने साल 2014 में पेयर्न हवाई अड्डे से अपनी पहली सफल उड़ान भरी थी। इस हवाई जहाज को सोलर इम्पल्स 2 व्हीकल कहा जाता है, जिसके विंग्स में कार्बन फाइबर लगा हुआ है। ये हवाई जहाज बोइंग 747 विमान की तुलना में काफी बड़ा है, जिसमें 17,000 सौर बैटरियां लगी हुई हैं। आपको बता दें कि सोलर इम्पल्स 2 व्हीकल एक बार चार्ज होने के बाद कई घंटे तक हवा में उड़ान भर सकता है, जो फ्यूल की खपत को कई गुना तक कम करने का काम करता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि सौर ऊर्जा से सिर्फ बिजली का ही उत्पादन नहीं किया जा सकता है, बल्कि इससे हवाई जहाज को भी उड़ाया जा सकता है। फैक्ट नंबर 7, आमतौर पर अगर किसी शहर या देश में लोग रहते हैं तो वहाँ जन्म और मृत्यु को लेकर कोई नियम नहीं बनाया जाता है, लेकिन नॉर्वे में एक ऐसा शहर भी मौजूद है जहाँ लोगों के मरने पर सख्त पाबंदी है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, इस शहर का नाम है लॉन्ग ईयरबेन। दरअसल यह शहर उत्तरी ध्रुव के बीचों बीच एक आइलैंड पर बसा हुआ है, जहाँ कड़ाके की सर्दी पड़ती है और पूरा शहर बर्फ की मोटी चादर में छिपा रहता है। यही वजह है कि इस शहर में लोगों के मरने पर पाबंदी है, क्योंकि यहाँ मृत्यु के बाद उनके शव को दफनाने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है। ठंड और बर्फ की वजह से जमीन में दफन की गई लाशें मिट्टी के साथ अच्छी तरह से मिलकर नष्ट नहीं हो पाती हैं, जिसकी वजह से नए शवों को दफनाने के लिए जगह ही मौजूद नहीं है। यही वजह है कि लॉन्ग ईयरबेन में लोगों का मरना गैरकानूनी है, जबकि इस शहर में 2000 से ज्यादा लोगों की आबादी निवास करती है। इस शहर में आज से 70 साल पहले दफन की गई लाशें भी जस की तस मौजूद हैं। यही वजह है कि लोग उन लाशों की जगह पर नए शव दफन नहीं कर पाते हैं, इसलिए लॉन्ग ईयरबेन में एकमात्र कब्रिस्तान मौजूद है जहां अब किसी का अंतिम संस्कार नहीं होता है। जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है या फिर वह मरने वाला होता है तो वह लॉन्ग ईयरबेन शहर से बाहर चला जाता है। यही वजह है कि इस शहर में ना तो कोई मरता है और ना ही किसी का अंतिम संस्कार किया जाता है, क्योंकि ज्यादा सर्दी की वजह से डेड बॉडी नष्ट नहीं होती है। फैक्ट नंबर 8, आज तक आपने पानी के ऊपर मौजूद एक से बढ़कर एक खूबसूरत और आकर्षक ब्रिज देखे होंगे, जो एक शहर से दूसरे शहर या किनारे को जोड़ने का काम करते हैं। लेकिन क्या आपने एक ऐसे पुल के बारे में सुना है जो पानी के अंदर मौजूद है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि स्वीडन और डेनमार्क के बीच मौजूद इस अद्भुत पुल को ओरसंड ब्रिज के नाम से जाना जाता है, जो आधा पानी के ऊपर मौजूद है और आधा पानी के अंदर। यह पुल स्वीडन को डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन शहर से जोड़ता है, जो समुद्र के अंदर सुरंग के रूप में बना हुआ है। 4 किलोमीटर लंबे इस सुरंगनुमा पुल को देखने के लिए दुनिया भर के पर्यटक स्वीडन और डेनमार्क पहुंचते हैं, जो इंजीनियरिंग की अद्भुत मिसाल पेश करता है। ओरसंड ब्रिज पर गाड़ी चलाने का अलग ही मजा है, जिसका लुत्फ उठाने के लिए सैकड़ों लोग यहां जाते हैं। फैक्ट नंबर 9, ये तो हम सभी जानते हैं कि दुनिया भर में कई तरह के त्योहार मनाए जाते हैं, जिनमें से कुछ बहुत ही नॉर्मल होते हैं, जबकि कुछ त्योहार बहुत ही अजीबोगरीब होते हैं। ऐसा ही एक त्योहार इंग्लैंड के ब्लैक उटन शहर में मनाया जाता है, जहां हर साल मई के महीने में लोग कीड़े पकड़ने का अजीबोगरीब खेल खेलते हैं। इस त्योहार में शहर के लोग एक खेल में हिस्सा लेते हैं, जिसके तहत उन्हें 15 मिनट के अंदर जमीन से कीड़े इकट्ठा करने होते हैं। जो व्यक्ति सबसे ज्यादा कीड़े इकट्ठे कर लेता है उसे खेल का विजेता घोषित कर दिया जाता है। इस खेल को जीतने के लिए लोग तरह तरह के उपाय करते हैं, ताकि जमीन के अंदर छिपे हुए कीड़े बाहर आ जाएं और वे उन्हें पकड़कर गेम जीत जाएं। इस मनोरंजक खेल को देखने के लिए इंग्लैंड समेत दूसरे देशों के लोग भी ब्लैक उटन पहुंचते हैं, जहां लोगों को 15 मिनट के लिए पागलपन की हद पार करते हुए देखा जा सकता है। फैक्ट नंबर 10, यूं तो आपने धान, गेहूं और दालों की खेती के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी मछलियों की विशेष खेती के बारे में सुना है? अगर नहीं तो आज हम आपको मछली की विशेष खेती के बारे में बताने जा रहे हैं, जो मुख्य रूप से इंडोनेशिया में की जाती है। इस देश के किसान अपने खेतों में फसल उगाने के साथ साथ मछली पालन भी करते हैं, जिसकी वजह से इनके खेतों में ढेर सारी मछलियाँ देखने को मिलती हैं। इंडोनेशिया में मुख्य रूप से चावल की खेती की जाती है, जिसके लिए ढेर सारे पानी की जरूरत होती है, लेकिन खेत में ज्यादा मात्रा में पानी होने की वजह से फसल में कीड़े लगने का डर बना रहता है, जिससे छुटकारा पाने के लिए किसान खेत में ही मछली पालन करते हैं। इंडोनेशिया में फिश एंड राइस की खेती बहुत ज्यादा प्रचलित है, जिसके तहत खेत में जमा पानी में मछलियों को छोड़ दिया जाता है। यह मछलियाँ पानी में रहते हुए चावल की फसल पर लगने वाले कीड़ों को भोजन के रूप में खा जाती हैं, जिससे किसानों की फसल बर्बाद नहीं होती है। इस तरह किसान चावल की खेती के साथ साथ मछली पालन के जरिए दोगुना मुनाफा कमाते हैं, और इस काम में मेहनत भी बहुत कम लगती है। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि इंडोनेशिया के किसान चावल के साथ साथ मछली की खेती भी करते हैं, क्योंकि यहाँ मछली पालन के लिए अलग से तालाब या वाटर टैंक नहीं बनाया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।